कहते हैं ना, द सक्सेसफुल वॉरियर इज द एवरेज मैन विथ लेजर लाइक फोकस। बिल्कुल सही कहते हैं। जी हाँ दोस्तों, तो चलिए आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बहुत ही अमेजिंग, बहुत ही जबरदस्त तरीकों के बारे में, जिन्हें अप्लाई करके आप पूरे फोकस के साथ, पूरे हाइपर फोकस के साथ काम कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, आप पूरे हाइपर फोकस के साथ काम कर सकते हैं। अगर आपको अपनी लाइफ में कहीं पर भी फोकस का इशू है ना, तो मेरे भाई इन टिप्स को, इन तरीकों को जरूर फॉलो करें, क्योंकि ये हाइपर फोकस की किताब ना आपको प्रोडक्टिविटी के बारे में सब कुछ बताएगी और सब कुछ सिखाएगी। आसान भाषा में बोले तो इस किताब से, यानी कि हाइपर फोकस किताब से बस 3 लेसन्स बताऊंगा, जिनको मैंने पर्सनली सीखा है और पर्सनली अपनी लाइफ में अप्लाई किया है। अगर आपने इन 3 लेसन्स को अपनी लाइफ में सही से अप्लाई कर लिया ना, फिर तो मेरे भाई आपकी चांदी हो जाएगी। यानी कि कम काम करने के बाद भी आपको ज्यादा रिजल्ट्स मिलेंगे, जबरदस्त रिजल्ट्स मिलेंगे, यानी कि आपका काम ना प्रोडक्टिव होगा, और तो और आप अपने टाइम को भी ना बढ़िया से मैनेज कर पाएंगे। वैसे मैंने टाइम मैनेजमेंट के ऊपर ना मेरे भाई पूरी की पूरी प्लेलिस्ट बनाई है, जो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट और क्रिटिकल है आपके करियर डेवलपमेंट के लिए। एक बार जरूर देखना, आपको मजा आ जाएगा। तो चलिए पहला लेसन, 4 प्रकार के काम। देखिए मेरे भाई, आपके पास ना फोकस करने के लिए हजारों चीजें हैं, पर आपको किस पर फोकस करना है ये आपके ऊपर है। फिर चाहे वो बेकार चीजों पर लगाना हो या फिर बहुत ही इम्पोर्टेंट चीजों पर लगाना हो, ये सब आपके ही ऊपर डिपेंड करता है। चलो अगर आपने अपना फोकस, अपना अटेंशन, अपना कॉन्सेंट्रेशन सही जगह पर लगा भी लिया, फिर भी उस फोकस को ना लंबे समय तक बनाए रखना, ये थोड़ा चैलेंजिंग होता है, बहुत ही टफ होता है। अगर मुद्दे की बात करूँ ना, हमारे पास 4 प्रकार के काम होते हैं। पहला, नेसेसरी वर्क, जिन कामों को करने में आपको मजा तो नहीं आता, पर मेरे भाई ये आपके लिए फायदेमंद होता है, ये आपके लिए बेनिफिशियल होता है। दूसरा, अननेसेसरी वर्क, इन कामों करके ना ही आपको मजा आता है और ना ही आपको कोई फायदा होता है। तीसरा, डिस्ट्रैक्टिंग वर्क, इन कामों करके आपको मजा तो आता है, पर मेरे भाई ये ना आपकी लाइफ में कोई भी वैल्यू ऐड नहीं करता। मेरा मतलब ये है कि ये ना इस चीजों से आपको कोई भी फर्क नहीं पड़ता, रत्ती भर का भी आपकी लाइफ में कोई भी फर्क नहीं पड़ता। चौथा, पर्पसफुल वर्क, सच बताओ ना तो इसी को हमें करना होता है। जी हाँ दोस्तों, पर्पसफुल वर्क को ही हमें करना होता है, क्योंकि इन कामों को करके ही ना आप बहुत बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट कर सकते हैं। पर इन कामों को करने के लिए ना आपके पास फोकस होने की जरूरत है, हाइपर फोकस होने की जरूरत है। और जो मेरे भाई अच्छे से फोकस को, अटेंशन को मैनेज करने से आता है, अगर आपको अपनी लाइफ में सच में सक्सेसफुल बनना है, प्रोडक्टिव बनना है, तो अपना ज्यादातर समय ना नेसेसरी वर्क और पर्पसफुल वर्क में ही बिताइए। जी हाँ दोस्तों, अगर आपने ऐसा कर लिया ना, फिर तो मेरे भाई आपको सक्सेसफुल होने से कोई नहीं रोक सकता। दूसरा लेसन, अटेंशन स्पेस। जी हाँ दोस्तों, अटेंशन स्पेस। देखिए मेरे भाई, हमारे पास ना एक मोमेंट में, एक समय में एक ही चीज पर फोकस करने की, प्रोसेस करने की कितनी ज्यादा मेंटल कैपेसिटी होती है, बस उसी को हम अटेंशनल स्पेस कहते हैं। आसान भाषा में बोलूँ ना तो इसे हम ह्यूमन ब्रेन का रैम भी कहते हैं। जैसे कि आपके फोन में जितना ज्यादा रैम होगा, उतनी ज्यादा उसकी परफॉर्मेंस होगी, यानी कि टॉप नॉच परफॉर्मेंस होगी। मेरा मतलब बड़े बड़े ऐप भी ना आपके फोन में बिना किसी हैंग के, बिना किसी इंटरप्शन के बढ़िया से परफॉर्म करेगी, वर्क करेगी। बस वैसे ही आपके ब्रेन में जितना ज्यादा अटेंशन स्पेस होगा मेरे भाई, उतना ज्यादा आपकी परफॉर्मेंस होगी, यानी कि आपकी ना टॉप नॉच परफॉर्मेंस होगी, वो भी बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के, बिना किसी हैंग के, बिना किसी इंटरप्शन के, पूरे फोकस के साथ काम करेगी। और यही अटेंशनल स्पेस आपके फोकस को एंश्योर करता है, आपके कंसंट्रेशन को एंश्योर करता है कि आप काम करते वक्त ना रियली में एक्टिवेट हो की नहीं, जो मेरे भाई एंश्योर करना ना बहुत बड़ी बात है आपकी प्रोडक्टिविटी के लिए, आपकी सक्सेस के लिए। क्योंकि किसी भी काम को, किसी भी टास्क को पूरे हाइपर फोकस के साथ करना मेरे भाई बहुत बड़ी बात है। नॉर्मली हम एक ही समय में एक ही काम को पूरे फोकस के साथ करते हैं। जी हाँ दोस्तों, नॉर्मली ना हम एक ही काम को एक ही समय पर पूरे फोकस के साथ कर सकते हैं। मेरा मतलब आप मल्टीटास्किंग नहीं कर सकते हैं, पर मेरे भाई अगर आपने उसको अपना हैबिट बना लिया, यानी कि अपने काम को अपना हैबिट बना लिया ना, फिर तो आप 2-3 कामों को ना एक साथ कर सकते हैं। जैसे कि वॉकिंग करते करते म्यूजिक को सुनना, काम करते करते कुछ इंस्ट्रूमेंट्स को सुनना, पर अगर कोई कॉम्प्लेक्स टास्क है, फिर तो मेरे भाई आपको पूरे फोकस के साथ उस काम को कंप्लीट करना होगा, उस काम को निपटाना होगा। मेरी बात मानो तो आप अपना कीमती समय
बहुत ही इंपॉर्टेंट टास्क पर लगाओ, सबसे इंपॉर्टेंट चीजों पर लगाओ जो आपको फायदा दे, जो आपकी लाइफ में कोई वैल्यू एड कर सके। और तो और जो भी चीजें आपको डिस्ट्रैक्ट करती है ना, स्टिमुलेट करती है ना मेरे भाई, उसको आप पहले से ही लिख लो और उसको हटा दो। अब वो डिस्ट्रैक्शन कैसे हटेगा? बहुत ही सिंपल है, अपने फोन को एयर मोड में डालो और एक शांत जगह पर जाके अपना काम शुरू करो। मुश्किल है पर नामुमकिन नहीं। वैसे भी कुछ दिन के बाद आपका वो हैबिट बन जाएगा, क्योंकि कहते हैं ना किसी भी काम को 21 दिन पूरा करोगे ना तो मेरे भाई वो आपका हैबिट बन जाएगा, यानी कि बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के पूरे फोकस के साथ पूरे कंसंट्रेशन के साथ काम करना वो आपका एक हैबिट बन जाएगा। तीसरा लेसन, पावर ऑफ फोकस। जी हाँ दोस्तों, पावर ऑफ हाइपर फोकस। देखिए मेरे भाई, जब आप पूरे हाइपर फोकस के साथ काम करते हैं ना तो मेरे भाई आपका काम पूरा प्रोडक्टिव होता है, क्योंकि आप बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के पूरा का पूरा एक ही काम पर फोकस कर रहे हैं, यानी कि ना आपको काम करने में बहुत ही आसानी होगी, क्योंकि आप बिना डिस्ट्रैक्शन के, बिना किसी डिस्टर्बेंस के, बिना किसी स्टिमुलेशन के, नेगेटिव स्टिमुलेशन के आप काम कर रहे हैं, यानी कि उस काम को करने में आपको बहुत ही आसानी होगी। पर मेरे भाई उसको ना आपको एज ए हैबिट बनाना पड़ेगा, यानी कि पहले आपको सारे डिस्ट्रैक्शन को मिटाना पड़ेगा, उसके बाद ही आपका हैबिट बनेगा, जिससे कुछ भी थोड़ी थोड़ी डिस्टर्बेंस आ भी जाए ना तब भी मेरे भाई आप बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के काम करवाओगे। अब बात आती है कि हम अपने हाइपर फोकस मोड को ऑन कैसे करें। मेरे भाई बहुत ही सिंपल है, इसे हम ना प्यार से बीस्ट मोड भी कहते हैं। देखिए मेरे भाई, जब हम फोकस करते हैं ना तो हमें चार स्टेजेस से गुजरना पड़ता है। पहले तो आप अपने पर्पसफुल काम को चूज करें जिस पर आप पूरा अटेंशन दे सके, अपना कंसंट्रेशन जमा सके। दूसरा, जितना ज्यादा हो सके अपने डिस्ट्रैक्शंस को, अपने डिस्टर्बेंस को, अपने नेगेटिव स्टिमुलेशंस को हटा दें। इसके लिए सबसे बढ़िया यही है कि आप ना अपने काम को ही, अपने टास्क को ही अट्रैक्टिव बना लो। मेरे भाई अपने काम से ही प्यार कर लो, फिर मेरे भाई चाहे कोई भी डिस्ट्रैक्शन आ जाए आपको डिस्टर्बेंस बिल्कुल भी महसूस नहीं होगी, आपको नेगेटिव स्टिमुलेशन बिल्कुल भी नहीं आएगी, क्योंकि आपको अपने काम से प्यार होगा, आपका काम आपको अट्रैक्ट करेगा। तीसरा, अब अपना पूरा फोकस, अब अपना पूरा कंसंट्रेशन उस काम पर ही, उस एक काम पर ही लगा दे मेरे भाई। चौथा, अगर आपको तब भी डिस्ट्रैक्शन या फिर डिस्टर्बेंस महसूस होती है ना तब भी मेरे भाई आप उस काम पर पूरे फोकस के साथ लग जाओ। अब ऐसा इंटेंशन कैसे सेट करें कि आप अपना पूरा फोकस अपने काम पर ही लगा दो? मेरे भाई बहुत ही सिंपल है। पहले तो आप अपने तीन इम्पोर्टेंट टास्क को, तीन इम्पोर्टेंट काम को चूज करो जिन्हें आपने पूरा दिन खत्म होने तक पूरा निपटाना है। जी हाँ दोस्तों, आपका जो भी डेली टास्क है ना उसको पहले पूरी तरह से लिख लो और उसके बाद उसके ऊपर काम करो। दूसरा, आप उन कामों को कंप्लीट करने से आपको क्या फायदा मिलेगा, यानी कि आपको क्या क्या रिवॉर्ड्स मिलेंगे उसको मेरे भाई लिख लो, क्योंकि जब आपको रिवॉर्ड्स के बारे में या फिर फायदों के बारे में, बेनिफिट्स के बारे में पता होता है ना तो मेरे भाई वो चीज आपको अट्रैक्ट करती है, आपको और काम करने के लिए मजबूर करती है। मेरा मतलब आप फिर डिस्ट्रैक्ट नहीं होंगे, और अगर मान लो डिस्ट्रैक्ट भी हो गए ना तब भी मेरे भाई आपको वो रिवॉर्ड्स इतना अट्रैक्ट करेंगे कि आप फिर से अपने काम में लग जाओगे। मेरी बात मानो तो आप अपने फोकस को, अपने अटेंशन स्पैन को टेस्ट करो। पर कैसे? जैसे कि जब भी आप कोई इम्पोर्टेंट टास्क को करते हो तो हर 5 मिनट का एक अलार्म सेट कर लो। अब जब वो अलार्म बजेगा ना तो मेरे भाई आप अपने आप से एक क्वेश्चन करो कि क्या मैं पूरे फोकस के साथ काम कर रहा था या फिर मैं कोई डिस्ट्रैक्शन या फिर कोई डिस्टर्बेंस फील कर रहा था, यानी कि मैं अपने काम पे पूरे फोकस के साथ, पूरे लगन के साथ, पूरे अटेंशन के साथ लगा हुआ था या फिर कोई चीज मुझे डिस्ट्रैक्ट कर रही थी। अगर मेरे भाई आपको कोई चीज डिस्ट्रैक्ट कर रही है तो फिर से मेरे भाई यही चीज को रिपीट करो, यानी कि हर 5 मिनट का अलार्म सेट करो और अपने हर 5 मिनट का फोकस टेस्ट करते रहो। जब मेरे भाई आपका 5 मिनट का फोकस बन जाएगा ना, यही पूरा खेल है, क्योंकि कहते हैं ना स्टार्टिंग के 10 सेकंड अगर आपने अपने दिल को मना लिया, अपने मन को मना लिया ना, फिर तो मेरे भाई आपको उस काम को कंप्लीट करने से कोई रोक ही नहीं सकता। मेरा मतलब ऐसे धीरे धीरे ना आपका हैबिट बन जाएगा, आपका फोकस बन जाएगा, आपका हाइपर फोकस बन जाएगा, यानी कि बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के, बिना किसी डिस्टर्बेंस के आप आराम से काम कर सकते हो, जो मेरे भाई बहुत बड़ी बात है इस कंपटीशन के युग में। मेरे भाई बिना किसी डिस्ट्रैक्शन को कोई काम कर ही नहीं पाता। अगर आपने इसमें महारत हासिल कर लिया, अगर आप मास्टर बन गए कि आप बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के पूरे फोकस के साथ, पूरे कंसंट्रेशन के साथ काम कर सकते हो, फिर तो मेरे भाई सोने पे सुहागा हो जाएगा, यानी कि आप अपना बीस्ट मोड ऑन करोगे और आप फ्री मोड में आ जाओगे। जी हाँ दोस्तों, डिस्ट्रैक्शन फ्री मोड में आ जाओगे।
इसके लिए ना आप एक काम कर सकते हो, जब भी आपको फ्री समय मिले, फ्री लीजर टाइम मिले ना, तब मेरे भाई आप बिना मतलब बेकार के इंस्टा रील को देखने से अच्छा है आप अपने अगले दिन का प्लान करो। जी हाँ दोस्तों, आज का दिन आपका कैसा गया, आज का दिन आपका ठीक गया या फिर खराब गया, तो आज के दिन जो भी आपका ठीक गया हो, बेटर गया हो, उससे बेहतर कल आपका कैसे हो, इसके लिए मेरे भाई आपको आज से ही प्लानिंग करनी होगी। वैसे भी मेरे भाई मेरे गोल सेटिंग के ऊपर, प्लानिंग के ऊपर पूरी की पूरी प्लेलिस्ट बनाई है, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट और क्रिटिकल है आपके करियर डेवलपमेंट के लिए। एक बार जरूर देखना, आपको ना मजा आ जाएगा। सो आपने आज क्या किया उसको रिमेम्बर करो, उसको दोहराओ, ताकि आप कल और बेहतरीन कैसे करो उसका आइडिया आपको आज ही आ जाए। सो मेरे भाई, बढ़िया से नींद लो, बढ़िया डाइट लो, बढ़िया एक्सरसाइज करो और बढ़िया से मेडिटेशन करो, ताकि आपका अटेंशन स्पेस बढ़ सके और आप बिना किसी हैंग के, बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के, बिना किसी डिस्टरबेंस के पूरी तरह पूरे फोकस के साथ काम कर सकें। यानी कि आप पूरे फोकस के साथ, पूरे कंसंट्रेशन के साथ, पूरे कॉन्शियस के साथ, पूरे डिसिप्लिन के साथ, पूरे अटेंशन के साथ आप उस काम पर, यानी कि उस एक समय पर, एक ही काम पर आप अपना पूरा पावर दे देंगे। और अगर मेरे भाई, अगर आपने ऐसा कर लिया ना, फिर तो मेरे भाई आपको सक्सेसफुल होने से कोई रोक ही नहीं सकता, क्योंकि मेरे भाई डिस्ट्रैक्शन तभी आता है जब आपकी फोकस की कमी होती है। और अगर आपने अपना हाइपर फोकस का हैबिट बना लिया ना, फिर तो मेरे भाई आपको कोई हरा ही नहीं सकता। सो एक ही काम पर फोकस करो और उसके कंप्लीट होने के बाद ही, यानी कि उसके निपटाने के बाद ही दूसरे काम पर शिफ्ट करो, दूसरे काम पर जाओ, तब तक मेरे भाई उसी काम को करो। इसलिए मैंने आपको बोला कि इंपॉर्टेंट चीजों को पहले सेलेक्ट करो, ताकि जिस काम को करने दे, मतलब 80-20 प्लस वाला पता है ना, कि 20% ऐसे काम करो जो आपको 80% का रिजल्ट दे दे, क्योंकि ऐसा करना ना बहुत बड़ी बात है इस कंपटीशन के युग में। जी हाँ दोस्तों, 80% के रिजल्ट को लाने के लिए 20% ऐसे काम को चुनो जो आपको ज्यादा, मतलब ज्यादा रिजल्ट दे दे, वो भी कम करके। मतलब आपको तो दुगना बेनिफिट हो गया, एक तो आप पूरे हाइपर फोकस के साथ काम करोगे और दूसरा आपने वैसे काम चुने हैं जो आपको 80% का रिजल्ट दे देगा। यानी कि मेरे भाई आपकी प्रोडक्टिविटी ना टॉप नॉच प्रोडक्टिविटी हो जाएगी, यानी कि आपकी परफॉर्मेंस ना टॉप नॉच परफॉर्मेंस हो जाएगी, क्योंकि ज्यादातर लोगों का ना अटेंशन स्पैन बहुत ही कम है। और अगर आपने इसके ऊपर काम कर लिया ना, तो मेरे भाई आपके कॉम्पिटिटर्स बनेंगे नहीं, और अगर बन भी गया ना, तो आप श्रेष्ठ में नहीं बल्कि उत्तम में आ जाओगे। यानी कि अगर आपने पूरे हाइपर फोकस के साथ काम कर लिया ना, तो मेरे भाई बाजी आप ही मार लोगे, क्योंकि आपका अटेंशन ही आपकी जिंदगी बनाता है, आपका लाइफ बनाता है, आपको सक्सेस देता है। सो मेरे भाई ऐसी चीजों पर ही फोकस करें, अटेंशन दे, जो आपको आपकी लाइफ में कोई वैल्यू ऐड कर सके। अब इन सारे टिप्स को ना मेरे भाई आप जरूर फॉलो करो, इंप्लीमेंट करो, क्योंकि कहते हैं ना इंप्लीमेंटेशन इज की टू सक्सेस, इंप्लीमेंटेशन से ही बदलाव आएगा। देखिए मेरे भाई, मैंने पब्लिक स्पीकिंग के ऊपर, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के ऊपर, टाइम मैनेजमेंट के ऊपर, स्ट्रेस मैनेजमेंट के ऊपर, गोल सेटिंग के ऊपर, प्लानिंग के ऊपर, मोटिवेशन के ऊपर, पूरी बुक समरी के ऊपर पूरी की पूरी प्लेलिस्ट बनाई है। एक बार आप जरूर देखना, आपको मजा आ जाएगा। अगर आपको ये वीडियो सच में पसंद आती है ना, तो मेरे भाई प्लीज लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिससे मेरा मोटिवेशन हमेशा बना रहता है। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।